मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है सिस्प, सोल्यूशन इन सर्च ऑफ ए प्रॉब्लम। आपके पास में सोल्यूशन है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे 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 स्टार्टअप है जो सक्सेस नहीं हुए क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच डज नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसी समस्या को हल करने का प्रयास करें जो जो समस्या है ही नहीं, राइट? क्या आपके पास में सोल्यूशन है इसके लिए, आप ढूंढने चले हो लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी अ प्रॉब्लम, नॉट अ स्टार्टअप। सेकेंड, आपको अपनी समस्या से ज्यादा समाधान से प्यार हो गया, दिस इज अ प्रॉब्लम। डोंट फॉल इन लव विद अ सोल्यूशन, से प्यार मत कीजिए, सोल्यूशन चेंज होगा। प्रॉब्लम को मत छोड़िए, प्रॉब्लम से लव कीजिए। जो भी सोल्यूशन लगे हम करेंगे, चेंज करेंगे, नया सोल्यूशन, प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे। लोग करते हैं, सोल्यूशन को नहीं छोड़ते हैं, राइट, विच इज रॉन्ग। थर्ड, आपको ओपन होना रहेगा कि आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा बिकॉज ये स्टार्टअप एक्सपेरिमेंटेशन का फेज होता है, राइट? आपको बहुत से कंसेप्ट टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको प्रोटोटाइप बना के कस्टमर से बात करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पिवट, शायद आपको अपना सोल्यूशन पूरा ही चेंज करना पड़े उसको। तो ये सब चीजें यू शुड बी ओपन टू डू, राइट? तो अगर आपका ईगो है तो ये प्रॉब्लम है। हमने उस समय भी बात की थी कि आपको ईगो साइड में रखना पड़ेगा। अगर आपने जो सोल्यूशन पहले स्टेज में सोचा था, अगर आपको उसको चेंज करना पड़े तो डोंट फील बैड अबाउट इट। आपको उसका फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत सोचा। ईगो को साइड में रखिए, हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, सोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ स्टार्टअप जर्नी। तो फर्स्ट मिस्टेक हमने की कि अमेजिंग आइडिया और फर्स्ट आइडिया के बीच का आइडिया सोचना है। सेकेंड, हमें सोल्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है जो आपके कंट्रोल में है, राइट, हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, सोल्यूशन के बारे में अभी नहीं सोचना है क्योंकि किसी को नहीं पता क्या सोल्यूशन होगा। हम तो जर्नी पे निकले हैं सोल्यूशन फाइंड करने। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना है कि ये एक मूवी है और आप उस मूवी के डायरेक्टर हो। और अगर आप ये समझे हैं कि हम सब अपनी लाइफ में, ऑल द पीपल, राइट, ऑल द पीपल इन इंडिया, ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है और सबका मिशन है कि यार आई गेट गुड हेल्थ और आई गेट रिच और आई गेट कन्वीनियंस, आई सेव टाइम, आई बिकम स्किल्ड, आई गेट मोर प्रॉफिट। हम सब एक मिशन पर है। अगर अगर अपने आप से अगर आप सोचें अपने बारे में, तो आप भी एक मिशन पे हैं। हम सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टअप बहुत बड़ा सक्सेस हो जाए, राइट? आई इम्प्लीमेंट अक्रॉस 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 20 कंट्रीज की कॉलेजेस मेरा, राइट, वो मेरे लाइफ का मिशन है। तो जो मुझे मेरे लाइफ के मिशन में हेल्प कर सकता है, उसका बिजनेस, उसका स्टार्टअप वुड बी सक्सेस क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो मुझे मेरी लाइफ में हीरो बना सकता है। तो आपको भी ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपका स्टार्टअप किसके लिए है, वो आदमी किस मिशन पे है, उसका क्या सोल्यूशन आप दे रहे हैं, वो कौन है, राइट? और क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस आदमी को या अज लेडी को अपने लाइफ में हीरो या हीरोइन बना सकेगी, राइट? हीरो कौन होता है? हीरो इज अ पर्सन हु किल्स द विलन, राइट? ही फाइट्स इविल, राइट? ही विंस अ पॉट ऑफ गोल्ड और ही विंस अ प्रिंसेस, राइट? हीरो की स्टोरी जो भी मूवी में होती है कि उसके सामने चैलेंजेस होते हैं और वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करता है, विलेन को मारता है, एंड देन ही विंस अ प्रिंसेस और ही विंस अ गोल्ड, वॉट एवर, राइट? आपको भी अपने कस्टमर के बारे में ऐसा ही सोचना है कि आप उन्हें हीरो कैसे बना सकते हैं। प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है हमारे स्टार्टअप का हीरो कौन है, मूवी का हीरो कौन है, हमें वो ही नहीं पता होता, दैट्स अ प्रॉब्लम। आप अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से अपने ग्राहक को उनके जीवन में हीरो कैसे बना सकते हो। आपको ये सोचना है कि आपका प्रोडक्ट उनको अगर वो कन्वीनियंस देख रहे हैं कि मेरे घर पे बैठा बैठे खाना आ जावे, जोमेटो ने सारे लोगों को हीरो बना दिया, मेरा जो भी अगर 1.5 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना हो, पेटीएम ने उनको लाइक उनको लाइक हीरो, ओला, राइट? मुझे ये है कि मैं जब भी गाड़ी अच्छा गाड़ी ऑर्डर करूँ, मेरे घर पे एसी गाड़ी आ जाए, मेरे फ्लैट के बाहर आ जाए, राइट, और मुझे एसी में लेके जाए, उन सब लोगों को हीरो। स्टार्टअप्स मेक
एक वन काइंड ऑफ अ कस्टमर हीरो इन देयर लाइव्स, और उन उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपको किस तरह के कस्टमर, वो उनका क्या प्रॉब्लम है, वो कौन से मिशन पे हैं, क्या वो हेल्थ के मिशन पे हैं, क्या वो मेंटल हेल्थ के मिशन पे हैं, तो क्या आपका स्टार्टअप उनको हीरो बना सकता है जिस भी लाइफ के मिशन में वो हो। मार्केटिंग का एक गोल्डन आई रूल है कि इफ योर प्रोडक्ट टॉक्स टू एवरीबॉडी इट टॉक्स टू नोबडी। अगर आपका प्रोडक्ट आपने ऐसा बनाया कि बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज करते हैं, जवान भी, मान लीजिए ये कोई भी यूज नहीं करेगा। आपका हीरो एक तरह का इंसान होता है, उसकी एज सीमा भी फिक्स होती है मोटा मोटी, राइट? वो कहाँ पे है, उसको क्या चैलेंज है, क्या मिशन है, उसने लेवल का आपको आइडिया आना चाहिए, क्योंकि हीरो एक ही होता है, राइट? तो आपके आपके स्टार्टअप का हीरो कौन है, आप किसे हीरो बनाने वाले, आप कौन से तरह के ग्राहक को, यू हैव टू बी क्लियर। तो तीसरी आज मिस्टेक है, हम ऐसा प्रोडक्ट आज बनाते हैं कि जो सबके लिए, हमें पता ही नहीं, हम समझते हैं सबको हीरो बना देंगे, ऐसा नहीं होता, हीरो खाली एक होता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। सो अभी एक बड़ा एक्सरसाइज करेंगे आज, दिस इज द मेन थीम ऑफ टूडेज क्लास, अपने स्टार्टअप का हीरो कैसे खोजें, हाउ टू फाइंड राइट द हीरो। तो एक एक्सरसाइज है, अगेन मैं आज साइंस की बात करता हूँ बहुत, जैसे हमने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की बात की थी लास्ट टाइम, 4 स्टेप्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप अपने स्टार्टअप का मूल्य प्रस्ताव विवरण, वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट लिख लें, 2 लाइन का सेंटेंस है, अगर आप वो अपने स्टार्टअप का क्लियरली लिख लें, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका कस्टमर कौन से, किसको हीरो आज बनाने का है। व्हाट इज अ वैल्यू प्रपोज, ये वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट है क्या, ये सिंपल सा वो कारण है, इट इज अ रीजन जिसके कारण कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके कंपेटिटर से परचेज नहीं करते। तो वो क्या ऐसी खास चीज है आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, जो कस्टमर आपसे परचेज करता है, वो आपका वैल्यू प्रपोजिशन, ये आप वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट में लिख दिया कि मैं, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस ये वैल्यू देगा, राइट? जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो इट इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट इज सिंपली वह कारण जिस वजह से ग्राहक को आपसे खरीदना चाहिए, न कि आपके कंपेटिटर से, सिंपल सा है। तो वो क्या कारण है उसको आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है, हर स्टार्टअप अपना वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट लिखे, क्योंकि बहुत से लोग सबको सर्व करते हैं, सबको हीरो बनाना चाहते हैं, वो स्टार्टअप्स फेल होते हैं, लेकिन जो एक क्लियर हीरो से चालू होते हैं, एक तरह के लोग, बाद में वो ऐड कर सकते हैं दूसरे हीरो को, लेकिन पहले एक हीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। तो ये वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट तो मैंने बोला, लेकिन एक एग्जाम्पल तो दो उसका। चलो तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हर कंपनी का होता है, हम BMW जिसकी गाड़ियां आती है उसका वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट क्या, हर स्टार्टअप हर बिजनेस का होता है। आई विल शेयर एग्जांपल ऑफ 4 और 5, हम एक एक का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में अपने स्टार्टअप का वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट लिख के जाएंगे आज के सेशन के बाद। तो जो BMW का वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट एक इंग्लिश का है सेंटेंस, वो आपको एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। फॉर ड्राइवर्स Who value automotive performance, BMW provides luxury vehicles that deliver joy through German. ये simple English हम इसको ignore करेंगे, हम इसके analysis पे आ जाएंगे कि एक value proposition statement के 6 हिस्से होते हैं। Let me put it down a little bit. Okay. तो आपका जो भी वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट होगा उसके 6 हिस्से होंगे। जैसे BMW का एनालिसिस करते हैं, 6 कलर में मैंने वर्ड दिया, एक एक करके बात करेंगे। पहला उनका स्टेटमेंट था फॉर ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स क्या होगा, एक टारगेट होना चाहिए। लाल कलर का ड्राइवर क्या है, टारगेट। व्हाट इज अ टारगेट, लोगों का एक समूह जिसे आप पहचान सकते हैं। अगर हमें कोई ड्राइवर्स बोले तो हमें दिमाग में आ जाता है किस तरह के लोगों की बात हो रही है, कौन से टारगेट की बात हो रही है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यू कैन आइडेंटिफाई, उनसे बात कर सकते हैं। किसी ड्राइवर से बात करने का बोले तो हमें समझ में आता है कौन है टारगेट। तो पहला आपको भी आपके स्टार्टअप का आज लिखना है फॉर टारगेट। BMW का था ड्राइवर्स, आपका क्या है, राइट, फॉर ड्राइवर्स। उसके बाद में सेकेंड है सेगमेंट। देखो सारे ड्राइवर उनके क्लाइंट नहीं है, जो ओला उबर चला रहे हैं वो BMW नहीं चला रहे हैं, राइट, तो वो नहीं है। तो वो ड्राइवर टारगेट का वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस को महत्व देता है, फॉर ड्राइवर्स हु, तो हम एक टारगेट के छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं।
फॉर ड्राइवर्स हु वैल्यू ऑटोमेटेड पर, खाली उनकी बात कर रहे हैं हम, तो टारगेट के सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं फॉर टीचर्स हु टीच इन यूनिवर्सिटीज विद स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन थाउजेंड, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो आप सारे टीचर्स की बात नहीं करो, तो आपका जो भी स्टार्टअप है, जिस भी टाइप के क्लाइंट के लिए, उसका उसका जो भी टारगेट सेगमेंट है, उस टारगेट सेगमेंट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्वालिफाई क्वेश्चन, जिससे कि हमें आइडिया कि वो सेगमेंट में फिट होता है कि नहीं होता। तो इन्होंने क्वालिफाइंग क्वेश्चन किया, ड्राइवर्स जो वैल्यू, जो ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस को महत्व देते हैं, ये हो गया सेकेंड। अभी थर्ड कलर है ब्लू कलर, BMW। तो तीसरा कॉमा के बाद आना चाहिए आपका ब्रांड नेम, आपकी पहचान के, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपका कंपनी का नाम। एक अच्छा सा स्टार्टअप का ब्रांड भी चूज कीजिए जो लाइक रेलेवेंट हो। मेरे स्टार्टअप का नाम है बिज स्टार्ट, तो आई विल शेयर द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ माई स्टेट माई स्टार्टअप ऑल्सो। उसमें आप ये देखेंगे कि कॉमा के बाद में बिज स्टार्ट ब्लूमा आया है। तो फॉर ड्राइवर्स हु वैल्यू ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस, BMW, उसके बाद में प्रोवाइड्स वॉट लग्जरी, तीस उसके फोर्थ कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी में आप प्ले कर रहे हो, आप कौन सी इंडस्ट्री के बिजनेस ओनर हो, क्या चीज प्रोवाइड करते हो। एक ऐसा वर्ड इन्होंने चूज किया, लग्जरी व्हीकल की कैटेगरी में हम काम करते हैं। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर ये गलती करते हैं, वो सारी कैटेगरीज ऐड कर देते हैं, राइट? वो या फिर वो बोलते हैं कि यार ये भी है वो भी, या बोलते हैं कि हम नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे। देखिए, आप नई कैटेगरी क्रिएट करोगे विच इज अ गुड इंटेंशन, लेकिन अगर आपका स्टार्टअप नई कैटेगरी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग एग्जिस्टिंग कैटेगरी ही समझते हैं। लोग समझते हैं व्हाट इज अ टैक्सी, व्हाट इज अ लग्जरी व्हीकल, व्हाट इज अ बिग कार, व्हाट इज अ बस। अगर आप जाएंगे कि एक तीन चक्के का कोई अलग सा ट्राम है, आप बोलेंगे कि मेरा स्टार्टअप उसका, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल वर्ड यूज कीजिए, कैटेगरी, तो सबको समझ में आए। BMW ने यूज किया लग्जरी व्हीकल, राइट? समथिंग दैट पीपल आर एबल टू रिलेट टू, आप उनको सोचना नहीं पड़े ये क्या करते हैं, लग्जरी व्हीकल। हाँ, हमें क्लियर हो गया क्या है। डोंट क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी स्टार्टअप से मत क्रिएट कीजिए, एग्जिस्टिंग कैटेगरी को यूज कीजिए। पांचवा है दैट डिलीवर जॉय। अभी यार उनका एक स्पेशलिटी क्या है, विद इन उनका जो कैटेगरी है, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, दैट उनका स्पेशलिटी क्या है उसकी। यार वो खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारी गाड़ी से आपको जॉय मिलता है, वी डिलीवर जॉय। तो उस कैटेगरी में जो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग, ये अलग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जॉय डिलीवर करता है आपको। तो ये एक डिस्टिंक्शन हो गया, तो वो फिफ्थ पॉइंट हो गया। और लास्ट उन्होंने बोला प्रूफ क्या है, जर्मन इंजीनियरिंग प्रूफ है हमारा। फिर आपको एक प्रूफ भी देना होगा, क्योंकि लोगों को आपके स्टार्टअप का वैल्यू प्रोपोजिशन में ये छह चीजें होनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए, टारगेट के अंदर सेगमेंट होना चाहिए, फिर आपका ब्रांड नेम आना चाहिए, फिर कौन सी कैटेगरी में आप प्ले करते हैं, आपका प्रोडक्ट प्ले करता है, उसमें आपका डिस्टिंक्शन क्या है, और आपके पास में क्या प्रूफ है। अभी प्रूफ मतलब सत्य ही नहीं हो, जो लोग समझते हैं सत्य क्या है, अ परसीव प्रूफ इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रूथ, राइट? जो लोग समझते हैं उसका प्रूफ अपने को आज देना है। तो अगर आपने ये देखें, तो BMW का जो वैल्यू प्रपोजिशन, सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उनका सबका वैल्यू प्रपोजिशन एक इंग्लिश का स्टेटमेंट, हमें पहले ये लगा था फॉर ड्राइवर्स वो वैल्यू कुछ स्टेटमेंट होगा। अगर अपन डीप में सोचे तो उसके छह हिस्से थे, और हर हिस्से का एक बहुत डीप मीनिंग है। आपके स्टार्टअप का भी ये वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हम अभी फाइंड करेंगे 2 मिनट में। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बास्फ एक कंपनी है जो केमिकल और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में है। उनका स्टेटमेंट है कि फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर, उनका टारगेट क्या हो, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन क्या सब मैन्युफैक्चरर्स नहीं, जिनको डिफरेंशिएट करने में चैलेंज आ रहा है, खाली वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स जिनको डिफरेंशिएट अपना प्रोडक्ट को अलग शो करने में चैलेंज आ रहा है, वो हमारा सेगमेंट है। उनके लिए हमारा ब्रांड क्या है, बास्फे ब्रांड। उनके लिए हम कौन सी कैटेगरी है, रॉ मटेरियल सप्लायर। ये सब जानते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर क्या होता है, बास भी रॉ मटेरियल सप्लायर। अगर वो और नई कैटेगरी क्रिएट होता तो लोगों को स्टार्टअप समझ में ही नहीं आता, राइट? फिर उनका डिस्टिंक्शन क्या है, वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं, वो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छा बनाने का क्लेम करते हैं, वो उनका स्पेशल, वो उनका डिस्टिंक्शन है। उनके पास प्रूफ क्या है, उनका इंजीनियरिंग का डेप्थ उनका प्रूफ है।
तो ये उनका एक वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हो गया, फॉर टारगेट हु आर सेगमेंट ब्रांड प्रोवाइड्स द कैटेगरी दैट मेक्स डिस्टिंक्शन थ्रू प्रूफ, राइट। अगर मैं उसको ऐसे करूं तो हम एक एक और एग्जांपल इसके बारे में लेंगे, राइट। चलो हमारा लेते हैं बिज स्टार्ट, जो मेरा है। तो क्या मैं सब कॉलेजेस के साथ में काम करता हूँ? नहीं, मेरा टारगेट कॉलेजेस है, लेकिन मेरा सेगमेंट क्या है? कॉलेजेस जो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। इंडिया में 53,000 कॉलेजेस है। सब मेरे क्लाइंट है क्या? नहीं है। खाली 500 से 700 जो सीरियसली एंटरप्रेन्योरशिप को आएंगे, तो वो मेरा सेगमेंट है। फिर मेरा नाम आ गया बिज स्टार्ट, फिर मैं क्या करता हूँ? एक ऐसा वर्ड जो सबको समझ में आया, अगर मैं बोलता प्री इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तो किसी को समझ में नहीं आता जो मेरा है, लेकिन मैंने एक सिंपल वर्ड को चूज किया जो सब कॉलेज समझेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सबको समझ में आता है, राइट। तो मेरा कैटेगरी वो होता है। मेरा डिस्टिंक्शन क्या है कि मैं ट्रेनिंग नहीं लेता, मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ क्लास में, मेरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो मेरा डिस्टिंक्शन एक यूनिक पॉइंट क्या है? मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू अ प्री इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं डिलीवर करता हूँ। और मेरा प्रूफ क्या है? मेरा प्रूफ ये है कि जो भी कॉलेज मेरा प्लेटफॉर्म लेगा, उसको एक महीने में विद इन अ मंथ दे विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेरे स्टार्टअप का वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट। अगेन ये साइंस है पूरा, फॉर टारगेट कॉलेज विद इन द कॉलेजेस दोज हु एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, माय ब्रांड नेम, देन द कैटेगरी, देन द डिस्टिंक्शन एंड देन द प्रूफ। जैसे जैसे कंपनी इंप्रूव होती है, अभी कोको कोला का ये जो स्टेटमेंट छोटा होता जाता है, राइट, क्योंकि बहुत सी चीजें वो सालों साल से कर रहे हैं। चलो कोको कोला का आज वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट देखते हैं। उनका क्या है? टारगेट पीपल। अभी उनका सेगमेंट क्या है? वो बोलते हैं हम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कर, उनका स्टार्टअप नहीं है, उनका बिजनेस है, इसके लिए वो ये बोल सकते हैं कि राइट फॉर पीपल। नहीं तो अगर कुछ नया सॉफ्ट ड्रिंक आप लॉन्च कर रहे हो, स्टार्टअप है, तो आप उसमें क्या बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यू कैन से फॉर पीपल हु आर इन देयर अर्ली टीन्स, राइट, और पीपल हु आर इन देयर 20s, और पीपल हु आर मैरिड, राइट, उस टाइप का आप सेगमेंट कर सकते हैं, नॉट ऑल द पीपल। ये कोको कोला है, इनकी बात अलग है। तो फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड ब्रांड कोको कोला, कैटेगरी क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक। उनका डिस्टिंक्शन क्या बोलते हैं? ये रियल थिंग है, राइट। अभी है उनका मार्केटिंग गेमिक, और बोलते हैं हमारा प्रूफ है कि हम 1886 से काम कर। ये उनका वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हो गया। अभी चलो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। आई आस्क यू कि आप सब एक स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोच के आए, एक प्रॉब्लम के बारे में सोच के आए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव थॉट अबाउट, अगर नहीं किया तो आप अभी भी सोच सकते हैं। एक एक्सरसाइज के लिए करते हैं, और कैन आई आस्क वन ऑफ यू टू शेयर योर स्टार्टअप आइडिया इन द ग्रुप फॉर केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट हु ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इन न्यू एज प्रोसेसिंग थ्रू बायोजाइम्स विच हेल्प्स वेस्ट रिडक्शन एंड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग बाय पेटेंट। ग्रेट सर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेट मी राइट इट डाउन, राइट, यू गॉट इट। सो फॉर केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कैटेगरी, ये टारगेट है क्या? सही है, टारगेट है इंडस्ट्रियलिस्ट, चलो इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन सब ने हु ट्रांसफॉर्म द न्यू एज प्रोसेसिंग थ्रू बायो, ओके, who are looking for transformation, right, chemical industry, can we say who are environment conscious or who are green environment conscious, sir, is that a better word? Ki all chemical industrialists who are environmental friendly or who are who care about the environment, is that a word which I can care very realistic, they just want to transform, because chemical industry nowadays, they are passing through a lot of trouble. Yes, because of all these environment concerns, as well as worldwide lower health problems. Yeah. Yeah. So Biozyme, I mean, that this is just a name, that's not an actual name. But so biological enzymes, they offers a clean technology for the chemical, whatever chemicals do the process, same biological enzyme to the process. Mm-hmm. Okay. So those who want to transform their existing chemical processes into a greener, cleaner kind of way. I use that word, chemical industries who want to transform themselves. Great. I mean, it is. So I got it. So for chemical industries who want to transform, right? Who want to contribute to the green, who are green conscious, right? I mean, just for example,
सारे केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो ग्रीन कॉन्शियस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए आपका ब्रांड बायोजाइम्स प्रोवाइड्स व्हाट? प्रोवाइड्स कोई ऐसा कैटेगरी जो सबको समझ, वेस्ट रिडक्शन, एकदम सिंपल, एक्सीलेंट, वेस्ट वेस्ट रिडक्शन येलो में होना था, तो इसको प्रोवाइड्स वेस्ट रिडक्शन, उसमें डिस्टिंक्शन क्या है आपके पास में? ये कैसे करेगा? देखिए, विच प्रोवाइड वेस्ट रिडक्शन क्लीन मैन्यूअर बाय पेटेंटेड, वो तो प्रूफ हो गया, तो आपका प्रूफ क्लियर है थ्रू पेटेंटेड, थ्रू पेटेंटेड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये तो आपका प्रूफ हो गया, पेटेंट बोला तो अभी प्रूफ हो गया, राइट? एक डिस्टिंक्शन आज मिसिंग है कि इसमें क्लीन आप वेस्ट रिडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हाँ, डिस्टिंक्शन इज लाइक दैट क्लीन मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज प्रोवाइड व्हाट वेस्ट रिडक्शन इंडस्ट्री थ्रू थ्रू क्लीन मैन्युफैक्चरिंग. एक मिनट, हाँ, आई थिंक योर योर होल आइडिया इज एब्सोल्युटली कंप्लीट. लेट मी पुट इट इन द राइट कलर. सो एक्सेलेंट वर्क डन. सो वी हैव गॉट अ वैल्यू प्रोपोजिशन. एक क्लियरली कौन सा हीरो है इनके मूवी का? हीरो कौन है? वो केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो ग्रीन कॉन्शियस है, जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, उसको बायोजाइम्स, इनका स्टार्टअप, वेस्ट रिडक्शन की कैटेगरी में हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा? डिस्टिंक्शन है, वो क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हेल्प करेगा. उसका प्रूफ क्या? उनके पास है पेटेंटेड टेक. ग्रेट. तो अगर आप स्टार्टअप लॉन्च करेंगे सर, राइट, तो दिस इज योर वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट. वंस यू से फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज हु आर ग्रीन कॉन्शियस, वी ऑफर वेस्ट रिडक्शन थ्रू क्लीन मैन्युफैक्चरिंग, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. नहीं तो लोग क्या यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, राइट? वो किसको डील करेंगे, कौन से इंडस्ट्री? केमिकल, आपने पहला वर्ड इतना अच्छा यूज किया, केमिकल इंडस्ट्री, वो इटसेल्फ एक सेगमेंट, उसके अंदर भी आपने ग्रीन किया. सो एक्सीलेंट एक्सरसाइज यू हैव डन सर, आई मस्ट से दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट. मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो भी स्टार्टअप है, आप सबका, जितने भी लोग हों, राइट, आप ये नोट कर लीजिए, आपको भी ऐसे करना है. फॉर टारगेट हु आर सेगमेंट, ब्रांड प्रोवाइड्स द कैटेगरी विथ डिस्टिंक्शन बिकॉज ऑफ प्रूफ. और अगर आप चाहें तो आई कैन शेयर दीज फोर एग्जाम्पल्स. हमने BMW की बात की, हमने बास की बात की, हमने मेरे स्टार्टअप की बात की, हमने कोको कोला की बात की, हमने उसके बाद में फूड स्टॉल की बात की, और हमने बायोजाइम, तो छह एग्जाम्पल्स की बात की टू क्लेरिफाई कि आपके मूवी का हीरो कौन है, राइट? आई होप, सर या जस्ट प्लीज सर. जस्ट टू क्लेरिफाई मोर वेयर दिस वैल्यू प्रपोजिशन शुड बी लोकेटेड आई मीन टू बी प्रोपोगेटेड और टू बी पब्लिसाइज ऑफ सी, हाँ, टू मेक इट मोर रिचेबल आई थिंक इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन फर्स्टली, राइट? ये कहाँ पे बोलना है? आपको अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे आप क्या बेचने आए हो, वहाँ पे काम आएगा. अगर आपको फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर्स के पास गए, उन्होंने आपसे पूछा कि आपको क्या कि वाई शुड वी इन्वेस्ट इन यू, राइट? तो आप बोलेंगे 10 स्लाइड का पूरा आप पैक उसको देंगे, उनके बाद में समझ में नहीं आएगा. अगर ये वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट आपका है, आप ये बोले मेरे ये टारगेट सेगमेंट है, एक स्टेटमेंट से उनको पिक्चर क्लियर हो जाए. सो एवरीवेयर वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू डू, इट कुड बी विथ योर कस्टमर, विथ अ वेंडर, विथ एन इन्वेस्टर, विथ योर एम्प्लॉय. आप हायर करने कल आज जाएंगे, आप एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एम्प्लॉय बोलेगा आप क्या करते हो, आप बोलोगे कि बायोजाइम्स ये, वो बोलो कि मेरा ये टारगेट सेगमेंट, इनके लिए हम ये कर रहे हैं और ऐसे करेंगे, राइट? तो जिसको भी आप सेल करना चाहते हो, इट कुड बी कस्टमर्स, इट कुड बी एम्प्लॉयज, इट कुड बी इन्वेस्टर्स, इट कुड बी वेंडर्स, वहां पे आपको यूज करना है. आपका स्लाइड डेक, आपको बात करनी पड़ेगी. एक्चुअली मार्केटिंग के लिए आप अगर कहीं भी जाएंगे, राइट, यू हैव टू डू अ प्रेजेंटेशन. आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप क्या करते हैं, राइट? पीपल आर लॉस्ट, डिटेल में लॉस्ट हो जाते हैं और पूरा कंफ्यूज होते हैं, राइट? दे ट्राई टू बॉयल द ओशन, राइट? जैसा इंग्लिश में सेइंग है, आप एक आज भगोले में पानी को गर्म कर सकते हैं, आप पूरा समुन्द्र का पानी गर्म नहीं कर सकते. वो भगोला क्या है, छोटा, वो निश क्या है, वो क्लाइंट कौन सा है. वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हेल्प्स यू फाइंड कौन सा लाइक लिमिटेड वो क्लाइंट है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे आपको काम आएगा. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Yeah, and how it is, I mean, it is different from the vision and mission, right? विजन विजन मिशन बहुत अलग चीज है. विजन आके आपका आज विजन क्या है, टू मेक एन इम्पैक्ट. इस अगर आप इस स्टेटमेंट को आज विजन में कन्वर्ट करेंगे, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट कंट्रोल इन द वर्ल्ड और क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड, दैट बिकम्स अ विजन. आज मिशन क्या हो गया कि आई वांट टू हेल्प 100 केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट एवरी ईयर, वो आपका हो गया मिशन. ये वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट अलग है.